यहां पर और भी कुछ विषय है जिसका मैं जरूर उल्लेख करना चाहूंगा। सदन में कहा गया कि झारखंड मॉब लिंचिंग और मॉब वायलेंस का अड्डा बन गया है। माननीय सभापति जी, युवक की हत्या का दुख यहां है, सबको है, मुझे भी है और होना भी चाहिए। दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा भी मिलनी चाहिए, लेकिन क्या एक झारखंड राज्य को दोषी बता देना यह शोभा देता है क्या? फिर तो हमें वहां भी अच्छा काम करने वाले लोग ही नहीं मिलेंगे। जो बुरा हुआ है, बुरा करते हैं, उनको आइसोलेट करें और उनको न्यायिक प्रक्रिया के तहत जो कुछ भी कर सकते करें, लेकिन सबको हम कटघरे में खड़े रहकर के राजनीति तो कर लेंगे लेकिन स्थितियां नहीं सुधार पाएंगे। और इसलिए पूरे झारखंड को बदनाम करने का हम में से किसी को हक नहीं है जी। वे भी हमारे देश के नागरिक हैं, वहां भी सज्जनों की भरमार है जी। और इसलिए और अपराध होने पर उचित रास्ता कानून और न्याय से, संविधान कानून और व्यवस्थाएं पूरी तरह से इसके लिए सक्षम है और उसका उपाय भी कानूनी व्यवस्था है, न्यायिक प्रक्रिया है। उसके लिए हम जितना कर सकते हैं करना चाहिए, पीछे नहीं हटना चाहिए। हिंसा में दुनिया में टेररिज्म का जो सबसे बड़ा नुकसान किया है वो गुड टेररिज्म और बैड टेररिज्म ने किया है। मेरा टेररिज्म, तेरा टेररिज्म इसने किया है। वैसे भी ये हिंसा की घटनाओं को भी हमने, चाहे वो घटना झारखंड में होती हो, चाहे वो घटना पश्चिम बंगाल में होती हो, चाहे वो घटना केरल में होती हो, हमारा एक ही मानदंड होना चाहिए, तभी हिंसा को हम रोक पाएंगे, तभी हिंसा करने वालों को सबक मिलेगा कि इस एक मुद्दे पर यह देश एक है, सब राजनीतिक दल हैं, सबकी सोचे हैं, अब ये देश में ऐसा चीज नहीं चलेगी। और मैं मानता हूं हम उस जिम्मेवारी को निभाएं। राजनीतिक स्कोर के लिए बहुत से क्षेत्र हैं, उसका हम उपयोग करें। और इसलिए और मैं मानता हूं देश के हर नागरिक के सुरक्षा की गारंटी ये हमारा संवैधानिक दायित्व है, साथ साथ मानवता के प्रति हमारी संवेदनशील जिम्मेवारी भी है, उसको हम कभी नकार नहीं सकते। और उसी भावना को लेकर हम आगे चलते हैं। और मैं बताता हूं, सबका साथ सबका विकास इस मंत्र को लेकर के हम चले थे, लेकिन 5 साल के अखंड एक निष्ठ पुरुषार्थ के जनता जनार्दन ने उसमें एक अमृत भर दिया, वो अमृत है सबका विश्वास।